अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां उप संचालक पशुपालन कार्यालय सभागार में गौ सेवकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का समापन करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि आज आवारा पशु खेती के लिए सबसे बड़ी समस्या है। खेती भी किसान की है और पशु भी किसान के ही हैं। आवारा मवेशी से जो सबसे अधिक पीड़ित हैं, उनके पास ही इस समस्या का समाधान भी है। रासायनिक खाद को बड़ी मात्रा में उपयोग से हमारे खेतों की उर्वरक शक्ति नष्ट हो रही है। 2-4 साल में उत्पादन इतना घट जाएगा कि हमें खेती छोड़नी पड़ेगी। यदि खेत से अच्छी मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता के अनाज प्राप्त करने हैं तो हमें पशुपालन को अपनाना होगा। गाय का गोबर ही माटी की उर्वरक शक्ति वापस लौटा सकता है। गौ पालन के बिना खेती संभव नहीं है। आज बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इसका कारण है कि हमने खेती को भुला दिया है। खेती और पशुपालन से ही सबसे अधिक आजीविका मिलेगी। मिट्टी और गोबर में हाथ पैर गंदे किए बिना खेती और पशुपालन संभव नहीं होगा। कलेक्टर ने कहा कि गौ सेवकों को जिले भर में संचालित गौशालाओं के माध्यम से गौ सेवा का अवसर दिया जाएगा। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है। गौ सेवक पशुपालकों को मवेशियों को घर में बांध कर रखने की समझाइश दे। धान और गेहूँ की लगातार खेती अपने उच्चतम स्तर तक पहुँच गई है। इस वर्ष जिले के 2000 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। धान का रकवा पिछले साल की तुलना में 70% रह गया है। धान के स्थान पर किसान दलहन, तिलहन एवं सब्जी की खेती को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए कठोर कार्यवाही की जा रही है। अब तक दर्जन भर से अधिक पशुपालकों के विरुद्ध FIR कराई गई है। समारोह में गौ संवर्धन समिति के अध्यक्ष नंदिनी तिवारी ने कहा कि गौ सेवक तथा मैत्री कार्यकर्ता शासन की योजनाओं की जानकारी पशुपालकों तक पहुंचाएं। गौ संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। जिला पंचायत की कृषि समिति की अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि गाय से लाभ और हानि दोनों हो रही है। हम गाय के दूध और गोबर का उपयोग करने के साथ साथ गौ माता को घर में रखकर उनकी सेवा करें, किसी भी पशु को खुला ना छोड़ें। उन्होंने गौ सेवकों का मानदेय बढ़ाने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में उप संचालक पशुपालन डॉक्टर राजेश मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गौ सेवक पशुपालन विभाग की रीढ़ है। गौ सेवक तथा मैत्री के माध्यम से ही विभाग की गतिविधियों और योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँच रहा है। जिले में 110 मैत्री कार्यकर्ता तथा 508 गौ सेवक हैं। इनके द्वारा पशुओं का उपचार, कृत्रिम गर्भाधान आदि की सेवाएं देने पर मानदेय प्राप्त होता है। आजीविका मिशन की महिला स्व सहायता समूह की पशु सखी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। समारोह में 5 गौ सेवकों को कृत्रिम गर्भाधान किट वितरण किया गया। इसके बाद कलेक्टर तथा अन्य अतिथियों ने कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर मनु दीक्षित द्वारा आभार प्रदर्शन से हुआ। कार्यक्रम में पशु चिकित्सा अधिकारी एवं गौ सेवक उपस्थित रहे।